डॉक्यूमेंट्री मामले में जेएनयू ने रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर हम आपको बताते चले जो डॉक्यूमेंट्री मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें जेएनयू ने रिपोर्ट मांगी है। जेएनयू प्रशासन ने सिक्योरिटी ऑफिस से रिपोर्ट तलब की राम के नाम डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर, जो विवाद कल हुआ था। उस विवाद होने पर अब जेएनयू प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी है। आप ये सोचिए कि अब जेएनयू में एक बार फिर से एक नया विवाद यहां पर इससे कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि राम के नाम पर जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी उसको लेकर अब यहां पर जरूर विरोध देखने को मिल रहा है। और करिश्मा ज्यादा जानकारी के साथ में समय हमारे साथ में है। जी करिश्मा, तो जो कल विवाद हुआ है जेएनयू कैंपस के अंदर टेफलर हॉस्टल के बाहर, उस विवाद को लेकर आज जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि वो पहले सिक्योरिटी फुचेस मंगवाएंगे। पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि पूरी जानकारी के साथ एक सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाई जाए, उसमें सीसीटीवी फुटेज होएगा और उसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जेएनयू एस सी प्रेसिडेंट आयशी घोष भी हैं। और उसके बाद ही रजिस्ट्रार और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक डिसीजन लेंगे कि इनका इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है। बिकॉज कल ही जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी या स्क्रीनिंग होने वाली थी, उससे ही पहले जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्कुलर निकाला था ये कहते हुए कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये एक ऐसी मूवी है जो कैंपस के अंदर द हार्मनी डिस्प्यूट कर सकती है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट खराब कर सकती है, तो वो ना किया जाए और इस मूवी की स्क्रीनिंग रोक दी जाए। परंतु स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी चलाई, उन्होंने ये स्क्रीनिंग नहीं रोकी है। दूसरी तरफ आयशी घोष जो जेएनयू की प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना था कि ये एक ऐसी मूवी है या फिर ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो हर मीडिया पोर्टल या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब देख सकते हैं, इट्स अ फ्री मूवी। एंड इसीलिए इसी के चलते हुए उन्होंने बोला कि इसको देखने में कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। बट सब सारी स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद रात को जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन करिश्मा क्या अभी तक इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, प्लीज जल्दी से संक्षेप में? अभी तक स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी तक जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ इतना बोला है कि हमें एक प्रॉपर सिक्योरिटी रिपोर्ट चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जो वहां पे डिप्लॉय थे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही उनका कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है करिश्मा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हालांकि जेएनयू जो प्रशासन है वहां की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और जरूर यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से राम के नाम इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद अब सामने आया है, इसको लेकर वीएचपी का क्या कहना है, विनोद कुमार बंसल का बयान सुनिए। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि अब धीरे धीरे करके आपका अंत समय आ रहा है, या तो राम जी के पास चले जाओ नहीं तो भला नहीं होने वाला। हिंदू समाज अब खड़ा हो रहा है और आपके ये जिहादी मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश को तोड़ने के जो षड्यंत्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम करने के जो षड्यंत्र कुछ चंद लोग वो जो पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पर करते हैं, उनको अब अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए।